हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। हम आ गए हैं फिर से एक और इंस्टॉलेशन वीडियो के साथ। तो आज हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं क्रोम ओएस का। एक्चुअली इंस्टॉलेशन नहीं रहेगा, ये ट्राई आउट रहेगा पेन ड्राइव में। तो हम इसे पेन ड्राइव में डालकर और चलाने वाले हैं। तो बेसिकली जो क्रोम ओएस है वो क्रोम गूगल की तरफ से एक क्रोम ओएस है जो कि लो एंड डिवाइसेस में चलता है, जिसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और 4 GB मिनिमम रैम और 16 GB इंटरनल मेमोरी या फिर स्टोरेज आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमें इंस्टॉल करना है तो हम प्रोसेस देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ सर्च करनी है, क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी। हम जैसे ही इसे सर्च करेंगे तो एक फर्स्ट लिंक पे आप जैसे ही खोलेंगे तो क्रोम का जो एक्सटेंशन है वो हमें दिखाई देगा। तो मेक श्योर आपके पास जो ब्राउज़र है वो क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए। मैंने दूसरे ब्राउज़र में ट्राई किया था बट वहाँ पर ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो हमने पहले से ही इसे इंस्टॉल कर रखा था। तो यहाँ से ऐड टू क्रोम लिखा हुआ आएगा, जस्ट सिंपली क्लिक करके ऐड एक्सटेंशन पे हम क्लिक करेंगे। एक फाइल छोटी सी डाउनलोड होगी एंड हमारा जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है। यहाँ से हम क्लिक करके हमारे एक्सटेंशन को खोल लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी, क्रिएट अ रिकवरी मीडिया फॉर योर क्रोमबुक, ऐसा लिखा हुआ आएगा। हमें गेट स्टार्टेड पर जाना है। यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल्स हमें डालनी है कि आपका लैपटॉप कौन सा ब्रांड है, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली आप गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स पर जाकर प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा क्रोम ओएस फ्लेक्स, हमें कंटिन्यू करना है। एंड जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ हमारी जो मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, वो यहाँ पर हमें शो होगी। मेरी 64 GB है, मिनिमम 16 GB की जो मेमोरी कार्ड है वो तो होनी ही चाहिए। फिर यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे एंड सैंडिस्क अल्ट्रा जो है मेरी पेन ड्राइव है यहाँ से क्रिएट नाउ करेंगे। ये फाइल्स जो है वो डाउनलोड करेगा फर्स्टली एंड देन इंस्टॉल करेगा। तो हम इसे डाउनलोड होने देते हैं, तब तक के लिए हम वीडियो पॉज कर देते हैं। तो ये अराउंड डाउनलोड हो गया है एंड वेरीफाइंग डाउनलोड हो रहा है, अनपैकिंग हो रहा है अब। तो हमारी जो इंटरनेट स्पीड थी वो बहुत अच्छी मिली हमें थैंक्स टू 5G एंड राइटिंग हो रहा है। ये 1% अब राइट होगा, पहले इसने डाउनलोड किया है फिर जो पैकेज है उसे वेरीफाई किया है और अब हमारी जो पेन ड्राइव है उसमें ये राइट हो रहा है। तो हम वेट कर लेते हैं। तो ये हो रहा है तब तक हम बात कर लेते हैं कुछ क्रोम ओएस के बारे में। तो क्रोम ओएस आजकल जो लेटेस्ट लैपटॉप्स है उनमें आ रहा है एंड इसकी ख़ास बात ये है कि ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो यूज़ करता है। जैसा कि विंडोज़ 10 और 11 के केसेस में ऐसा नहीं है, उसमें अगर 4 GB या 6 GB रैम भी रहेगी तो वो कुछ समय बाद जो है अटकने लग जाएगा, बट ऐसा कुछ इसमें नहीं है। ये क्लाउड बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मोस्टली जो इंटरनेट है वो रिक्वायर्ड रहेगा। आप नहीं भी यूज़ करेंगे, मतलब शुरुआत में तो आपको चाहिए ही, कंपलसरी रहेगा। बाद में अगर आप छोटे मोटे काम डेली के जो यूसेज करते हैं जैसे मूवी देखना, कुछ फाइल्स वगैरह बनाना, तो वो इजीली इस पे हो जाएगा। बाकी आप चाह रहे हैं कि सारा काम जो है हमारा वो इसी पर हो तो विंडोज़ के कंपैरिजन में अभी इसमें जो ऐप्स है वो कम है, और जो कंपनी से जो क्रोमबुक आ रहे हैं उनमें सपोर्ट होता है एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन का भी, एपीके इंस्टॉलेशन का भी फीचर्स उसमें है, बस इसमें नहीं है। और इसमें आप इसे कौन यूज़ कर सकता है, मैं पॉइंट पे आता हूँ। इसे वो लोग यूज़ करते सकते हैं जिनको सिर्फ मूवी देखना है, कुछ छोटा मोटा फाइल वर्क करना है, एक्सेल वगैरह जो है वो मैनेज करना है, ये सब जो मामूली जो काम है डे टू डे लाइफ के वो सारे हम इसमें कर सकते हैं।
दूसरी बात ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लाइनेक्स के ऊपर बेस्ड है, तो लाइनेक्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम मोस्टली इसमें यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हम इंस्टॉलेशन भी इसमें कर सकते हैं थ्रू लाइनेक्स कमांड, एंड ऑब्वियसली हम इसमें पाइथन वगैरह भी रन कर सकते हैं क्योंकि लाइनेक्स बेस्ड है। तो हाँ, सारी चीज़ें ये लाइनेक्स में जो हम कर सकते हैं, काली लिनक्स और पैरोटोस वगैरह में, वो सारी चीज़ें हम मोस्टली इसमें कर सकते हैं। तो ये 93% के अराउंड हो चुका है। मैं वीडियो को इसीलिए रिज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि कुछ भी चीज़ें छूटना नहीं चाहिए। तो हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं इसमें। ये ओएस उन लोगों को ज़रूर पसंद आएगा जिन्हें फ्लूइड काम चाहिए, सिस्टम बिल्कुल हैंग नहीं होना चाहिए, फटाफट चीज़ें जो है खुलनी चाहिए, उनके लिए ये ओएस बेस्ट है। तो सारी चीज़ें इसमें बहुत रिफाइंड है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाला है गूगल की तरफ से, एंड अपडेट्स इसमें आते रहते हैं। एंड्रॉयड जो हमारा फ़ोन होता है उस टाइप से इसमें अपडेट्स आते हैं, और अगर आपका सिस्टम मतलब पहले से ही कनेक्ट है इंटरनेट से, तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलने देगा कि कब ये अपडेट हो चुका है। जैसे विंडोज़ के केस में हमें इसे रीस्टार्ट करना पड़ता है यहाँ से, एंड अपडेट रीस्टार्ट एंड अपडेट, या फिर शटडाउन और एंड अपडेट करके जो आता है, वो चीज़ इसमें नहीं रहेगी। आप शटडाउन करेंगे उस टाइम ऑटोमेटिकली ये जो है इसका काम करके आपको पता भी लगने नहीं देगा। एंड बूट टाइम इसका बहुत कम है, अगर आपके पास SSD हो और ना हो तो भी बूट टाइम बहुत कम है इसका। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे इसे, बूट टाइम बहुत कम रहेगा इसका। दूसरी बात ये है कि आप इसमें YouTube और जितने भी Google के जितने भी जो एप्स हैं वो अब परफेक्टली स्मूथली वर्क करते हैं। इसमें YouTube वगैरह जो है बहुत इजीली चलता है, एंड आपके पास Google अकाउंट होना ज़रूरी है। विदाउट Google अकाउंट ये जो है OS वर्क नहीं करेगा। मोस्टली चीज़ें इसमें बिल्कुल भी इंस्टॉल्ड नहीं होती है, एक्चुअली होता ही नहीं है कुछ भी इंस्टॉल्ड विदाउट गूगल अकाउंट के। तो मैंने कुछ ऐप्स जो है इंस्टॉल करना चाह रहा था, बट विदाउट गूगल अकाउंट के ये कुछ भी इंस्टॉल नहीं करने देता है। अगर हाँ आप लाइनेक्स की कमांड से कुछ इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो हाँ वो हो सकता है। ये वेरीफाई कर रहा है फिर से हमारा जो राइट की गई जो पेन ड्राइव है वो, एंड 57% के आसपास हो चुका है। 1 मिनट और लगाएगा तो हम पॉज कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, अराउंड 94-95 के अराउंड ये हो चुका है। एंड अगर इस क्रोम ओएस के बिहाफ पे आपको वीडियो, फुल वीडियो चाहिए जिसमें फुल इंस्टॉलेशन जो है किसी लैपटॉप में हम करें, तो वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा सा गेमिंग लैपटॉप है, तो इसमें क्या ही पता चलेगा इसकी परफॉर्मेंस। कुछ लो एंड पीसी या फिर लैपटॉप हमारे पास हो जिसके पास 4 GB रैम वगैरह हो, तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा हमें टेस्टिंग के लिए। तो हमने फिनिश किया, एंड ये जो है सेटअप कंप्लीट हो गया है। हम चलते हैं बूट मेन्यू की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो हम हमारे जो पीसी है उसे बूट कर लेते हैं। तो मेरे केस में ये जो बूट की है वो स्केप है। आप जैसे स्केप दबाओगे एंड हमारी जो बूट मेन्यू है वो खुल जाएगी। किसी किसी में F12 होती है, किसी में F10, किसी में F11। तो आपके मॉडल के अनुसार आप देख सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल्स भी दे दूंगा कि आपके कंपनी के हिसाब से कौन सा आपका जो बूट की है वो रहेगा। तो हम सिंपली हमारी जो सैनडिस्क है उस पर क्लिक करके एंड जो सेटअप है उसे बूट कर लेते हैं। तो कुछ देर के लिए ब्लैंक स्क्रीन आएगी, उसके बाद हमारे पास लोगो आएगा क्रोम ओएस फ्लेक्स का। तो हम वेट कर लेते थोड़ा सा। तो बहुत जल्दी ये जो है बूट हो गया है, एंड हमारे पास ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेज सिलेक्ट का। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंग्लिश US स्टेट है। गेट स्टार्ट कर देंगे हम। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक इंस्टॉल करना और ट्राई करना। तो हम ट्राई करेंगे क्योंकि इंस्टॉलेशन की जो वीडियो है हम फिर किसी दिन कवर करेंगे, एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से हमारा जो वाईफाई है उसके पासवर्ड हम डालेंगे,
एंड यहाँ से कनेक्ट करेंगे। पासवर्ड डालते ही ये गेटिंग डिवाइस रेडी करेगा। मेरी जो पेन ड्राइव है उसकी स्पीड अच्छी है 3.0, तो ये बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है। मैंने दूसरी पेन ड्राइव जो है 2.0 वाली में इसे इंस्टॉल किया था, वहाँ पर थोड़ा लैग हो रहा था। तो सिंपली यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है कि आप किस लिए किस पर्पज़ से लिए ये यूज़ कर रहे हैं, वर्क, चाइल्ड या फिर पर्सनल। तो हम पर्सनल चूज़ करके इसे नेक्स्ट करेंगे। तो ये अपडेट्स के लिए चेक कर रहा है और यहाँ से हमें इसमें हमारा जो गूगल ईमेल है, हमारी सिंपली जो अकाउंट है गूगल अकाउंट, वो मांग रहा है। तो हम इसे कंप्लीट करके एंड आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे ही हमारा अकाउंट डाला है उसके बाद ये स्क्रीन खुली हुई है। यहाँ पर हमें टर्म्स एंड कंडीशन अलाउ करनी है एंड जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो ये सिंक का ऑप्शन आ रहा है। हम सिंपली यहाँ से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे एंड यहाँ से फिर अगेन एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, स्किप एंड गेट स्टार्ट। तो ये हमारा जो OS है वो रेडी हो चुका है और यहाँ पर हमारी जो टैब्स है वो कुछ खुली हुई है पुरानी। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे एंड यहाँ से भी इसे क्लोज करेंगे। तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आता है इसका, क्रोम OS का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो है हमारा जो स्क्रीन आता है जहाँ से हम ब्लूटूथ, वाईफाई, स्क्रीन कैप्चर एंड क्रोमकास्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं जो गूगल सपोर्ट करता है वो सारी हम यहाँ से जो है एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से हमारा स्विच ऑफ मतलब शट डाउन और रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ से हमारी सेटिंग है, बैटरी फुल दिखा रहा है। एक नोटिफिकेशन आया है हमारे फ़ोन के अराउंड, फ़ोन के बारे में। यहाँ से जो है हमारी मेन्यू खुलती है एंड मेन्यू में अभी हाल फिलहाल कुछ ऐप्स है जो कि थोड़े बहुत हैं और ये हमारा वेब स्टोर है, क्रोम, प्लेबुक एंड थोड़े बहुत जो हमारे जो ऐप्स है वो स्कैनर वगैरह। और ये टर्मिनल है हमारा, जैसा कि मैंने बताया था ये क्रोम बेस्ड है, सॉरी लाइनेक्स बेस्ड है। तो ये हमारा टर्मिनल है, यहाँ से हम लाइनेक्स डेवलपर इन्वायरमेंट को इनेबल कर देते हैं। इंस्टॉलिंग हो रहा है एंड जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है हम एक्सेस कर पाएंगे टर्मिनल को एंड यहाँ से सेटिंग में हम चले जाते हैं एंड ये कुछ इस तरह से इसका इन्वायरमेंट है, अकाउंट डिटेल्स वगैरह जो है, उसके बाद सर्च, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एंड अपडेट्स किधर है, मैं वो वाला सेक्शन भी आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से चेक फॉर अपडेट्स, तो ये ऑटोमेटिकली इसे अपडेट कर लेगा खुद को लाइक फ़ोन। तो आप देख पा रहे हैं इसकी स्पीड जो है, मैं कुछ चीज़ें भी खोल के दिखा देता हूँ। आपने देखा टैब कितनी जल्दी खुली हुई है, हमने गूगल खोला तो आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लॉलेस, मतलब बहुत स्मूथली चल रहा है, ये बिल्कुल भी लैग नहीं है इसमें एंड ये करंटली पेन ड्राइव से एक्सेस हो रहा है फिर भी इसमें कुछ भी लैग नहीं है। तो आप अगर SSD या फिर हार्ड डिस्क में इसे यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी ये बूट और मतलब परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो यहाँ एक ऑप्शन आया था हमारे फ़ोन से कनेक्ट होने का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं Realme और ये मेरा मॉडल नंबर है फ़ोन का, ये कनेक्ट हो रहा है फ़ोन से। तो थोड़ी देर में यहाँ से जो है ऑप्शन मेरे पास आने लग गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें इनेबल हॉटस्पॉट, साइलेंट फ़ोन एंड लोकेशन ऑफ, ये सारी चीज़ें इसमें बता दी है, नेटवर्क वगैरह। तो ये हमारे फ़ोन से भी जो है कनेक्ट हो चुका है। जिस टाइप से जो हमारा एप्पल होता है उसका जो इकोसिस्टम है, सेम उसी टाइप से इसका भी इकोसिस्टम है जो कि फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम इसका फाइल मैनेजर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये फाइल मैनेजर इसका ओपन होगा।
ओके, तो इस तरह से हमारा जो फाइल मैनेजर है वो ओपन होता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है गूगल ड्राइव का, डाउनलोड्स, लिनक्स फाइल्स एंड हमारी एक SSD है और एक हार्ड डिस्क है, और ये ट्रैश है जहाँ पर जो भी चीज़ें हम डिलीट करेंगे वो यहाँ पर स्टोर होगा। यहाँ से हम इसे कैंसिल कर देते हैं। एंड हमारा कुछ ऐप्स जो है वो, जैसे ही हमारा जो ऐप है, हमारी ID जो है हमने लॉग इन की है, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो है इंस्टॉल्ड होने लग गई है, लाइक यूट्यूब, गूगल मीट, मैसेज एंड कैलेंडर, गूगल एंड बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो रही है थ्रू माय बैकअप्स। एंड यहाँ पर हमने जो है टर्मिनल का एक्सेस मांगा था जो कि हमें मिल चुका है। यहाँ से हम इसे, सॉरी, तो हमारा जो टर्मिनल है वो एक्सेस हम यहाँ से कर लेते हैं। ओके, तो हमारा इस तरह से कुछ टर्मिनल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें कमांड्स चलती है कि नहीं। तो हमें, ओके, तो हमें रूट एक्सेस मिल चुका है। अब हम कुछ कमांड्स डाल के देख लेते हैं। ओके, तो ये लिनक्स परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसमें हमने अपडेट की जो कमांड डाली थी वो चल रही है। एंड अपग्रेड की भी कमांड जो है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। तो यस, ये लिनक्स भी सपोर्ट करता है। हम जितनी भी जो लिनक्स की चीज़ें हैं वो इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट डाउन बताइए। आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। एंड इसकी फुल इंस्टॉलेशन वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट डाउन कीजिए एंड हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए ऐसे वीडियोस बना सकें। थैंक यू।